चलो भाई आ जाओ, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। देखिए लास्ट क्लास तक जो मैं आपको टॉपिक्स करवा चुका हूँ, मैं एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्या क्या टॉपिक्स अब तक हो चुके हैं, आज हम क्या करने वाले हैं क्लास के अंदर वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा बस आप लोगों से ये कहा कि जितना आपका फिजिक्स का फर्स्ट टर्म में सिलेबस आ रहा है ना, अगर हमें उतने तक करना है, गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वालों का शायद हो जाएगा, प्राइवेट वालों का किसी का वर्क एनर्जी तक आएगा, किसी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल तक आएगा, तो उन सबका हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल के में इस बार पहली बार थोड़ा ज़्यादा सिलेबस आ रहा है, टिल द ग्रेविटेशन आ रहा है। तो अगर बच्चों इधर सना, ग्रेविटेशन तक अगर हमें पूरा करना है ना, तो थोड़ा सा हमें क्लासेस बढ़ानी पड़ेंगी। वो बढ़ कह सकती हैं, या तो मैं 4 बजे से थोड़ा सा पहले बुलाता आप लोगों को, लेकिन आप लोग कई बच्चे कह रहे हैं हम लोग स्कूल से थोड़ा लेट आते हैं, जैसे मयंक तो बहुत ही लेट आता है, वो क्लास में इसलिए लेट आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, संडे संडे ना आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा इस बार कि हम बड़ी क्लासेस लगा सकते हैं। बड़ी क्लास का मतलब है 1 सिटिंग में 3-3 घंटे की क्लास, ठीक है, मतलब 3 घंटे उसमें ब्रेक दे दूंगा बीच में आप लोगों को मैं। देखो एक बार लगातार 3 घंटे की क्लास का मतलब होता है आपने वीक की तीनों क्लासेस ले ली, वीक में 3 क्लासेस होती हैं, लेकिन वो जब 3 क्लासेस टुकड़ों में होती है ना, तो 3 घंटे वाला काम कभी नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप लगातार 3 घंटे करेंगे ना, उसमें बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा आप लोगों को, तो आपने जितना 1 हफ्ते में होना था वो 1 दिन में हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा आपके फायदे के लिए ये कि पेपर में जितने भी चीज़ें आएंगी वो हमने कर रखी होंगी, तो ज़्यादा बेटर आप लोग चीज़ें परफॉर्म कर पाओगे वहाँ पर। आप भले ही पता नहीं फर्स्ट टर्म को कितना सीरियस लेते, लेकिन मैं एक नॉर्मल टेस्ट को बहुत सीरियस लेके, मतलब मेरा शुरू से ऐसा है कि टेस्ट सीरियस ही होना चाहिए, चाहे वो आपका 10 नंबर का टेस्ट क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। चलिए बोर्ड पे, सो 100% उसकी टेंशन मत लो, तुम पक्का आ जाएगा। ये 3 घंटे ही कुछ नहीं है, मैंने 12th वालों को 5-5, 6-6 घंटे लगातार पढ़ा रखा, तो बिल्कुल बिल्कुल भी मत सोचो ऐसा। ये अब सिलेबस आप लोगों का डिडक्ट हो गया है, नहीं तो 3 से 4 साल पहले हमें सिलेबस ज्यादा कवर कराने के लिए 12th वाले बच्चों को 5-5 घंटे भी लगातार पढ़ाए, अब जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिलेबस ही छोटा है। चलिए चैप्टर नंबर 5 बच्चों, अब आप लोगों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी, बारिश ऑलरेडी बहुत तेज शुरू हो चुकी है भाई, ठीक है। तो अब आप लोग, हाँ मजा आएगा जाने में आप लोगों को, लेकिन अभी 1 घंटा पढ़ लो बस, रुक जाओ बारिश, ए क्लास बस भाई पीछे, अबे छतरी क्यों खोल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ना आ रही बारिश, स्वास्तिक तू भी ना। चलिए देखिए वर्क के अंदर मैंने वर्क एनर्जी पावर, इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को जो पहली चीज डिस्कस करता हूं दिस इज वर्क। इस वर्क में मैं आप लोगों के साथ फॉर्मूला वगैरह सब डिस्कस करता हूं कि फॉर्मूला इसका FS cos theta होता है, वर्क 3 चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और उनके बीच के एंगल पे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क सब तरह का डिस्कस आपसे होता है। एक चीज डिस्कस नहीं होती है वो है भी डॉट प्रोडक्ट, और मैंने बोला था कि मैं इस संडे कोशिश करूंगा आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सबको सिखा दूं, तब तक आप लोग वेक्टर्स की वीडियोस कवर कर लीजिए, तो वो इसलिए होल्ड कर रखे हैं, लेकिन उसके बिना सारी चीज चल रही है, मैं चैप्टर सारे ही करने, मेरे टॉपिक सारे ही करने, आगे पीछे हो सकते हैं टॉपिक्स हमारे आगे पीछे रहेंगे। आप जैसे NCERT देख रहे हैं उसमें चीजें हो सकती हैं, आपने पहले कुछ देखी हो, मैं बाद वाली चीज़ करा रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री में भी ऐसे चल रहा है, तो उससे टेंशन मत लेना, वो बाद वाली चीज़ पहले कर लेंगे, लेकिन जो पहले छूटा हुआ कराएंगे जरूर बाद में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्क सबसे पहले आप लोगों ने करा, क्लियर है आप लोगों को वर्क। इसके बाद जैसी वर्क आप लोग खत्म करते हैं इस चैप्टर में, आप लोग क्या सीखना स्टार्ट करते हैं, क्या सिखाया था मैंने, नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, ये वाला सिखाया ना, तो मेन चीज अगली वही थी, रिलेशन बिटवीन नहीं, मैंने आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करवाई थी, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, याद आ रहा है। जब कभी भी इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब फोर्स बदल रहा था तो कैसे वर्क डन कैलकुलेट करना था, तो आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना था, उसके अंदर का एरिया निकालना था, तो वर्क डन आ जाता, याद आ रहा है, नहीं आ रहा। इसके बाद आप लोगों ने बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा, लास्ट वही चला था हमारा, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ये 3 टॉपिक मैं अब तक आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, और ये 3 टॉपिक लगभग आपके टच में भी होंगे, कुछ खास मुश्किल थे नहीं, पूरा 20 पेजेस का PDF भर चुका, मतलब अच्छा खासा कंटेंट हमने इन 3 टॉपिक्स पे करा विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके भी न्यूमेरिकल्स बनाए, उसके भी न्यूमेरिकल्स बनाए, उसके भी न्यूमेरिकल्स बनाए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए हम लोगों ने ना बीच में यहाँ पर जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन भी लिखवाया था, मुझे बताएंगे क्या था काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, एक ऐसी एनर्जी बॉडी के पास जो उसके मोशन की वजह से है, जब भी कोई चीज चल रही है तो उसके पास एक एनर्जी है,
तो उसकी मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है, बोलो उसकी उस एनर्जी को हमने क्या बोला, बोलो काइनेटिक एनर्जी। सही है, क्या होती है बोलो काइनेटिक। फॉर्मूला कितना होता है बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत सिंपल टर्म से फॉर्मूला बना हुआ है, उसका मास, उसकी वेलोसिटी, इन सब पैरामीटर्स को लगा के हाफ एम वी स्क्वायर कैलकुलेट करिए। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके पास मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं बोलो, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक पार्टिकल के पास ना पोजीशन की वजह से भी एक एनर्जी होती है, भले ही मोशन कर रही हो ना कर रही हो, लेकिन उसके पास एनर्जी है। कैसे एनर्जी, मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारे केसेस मेरे पास हैं इस चीज के लिए। आप लोग मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट जो है किसी हाइट पर है ग्राउंड से, रुका हुआ है, मैंने इसे पकड़ रखा है, इसको मान लीजिए ऐसे मैंने पकड़ रखा है, इसका वेलोसिटी जीरो है, मुझे बताइए इसके पास एनर्जी है कि नहीं? मोशन नहीं है, मोशन नहीं है, मतलब काइनेटिक तो जीरो है बट एनर्जी नहीं है इसके पास। इसके अंदर भरी हुई एनर्जी है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी है। कैसे पता मुझे स्टोर्ड एनर्जी है, कैसे पता इसके पास स्टोर्ड एनर्जी है? अगर जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, ये नीचे की तरफ मूव करा, मतलब इसमें एनर्जी थी। ये स्टोर्ड एनर्जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक डैम क्रिएट कर रखा है, ठीक है, समझिए, और इसके अंदर बहुत सारा बोलो क्या है, पानी है। अब बहुत सारा अगर पानी है क्लास, अब आप मुझे बताइए, पानी तो रुका हुआ है, क्या पानी रुका हुआ है अगर इस डैम के अंदर, तो आप क्या समझते हैं इसके पास कोई एनर्जी नहीं है क्या? इस डैम के पास अगर मान लीजिए इस तरह का डैम क्रिएट हमने कर रखा है, तो आपको लगता है कि भले ही पानी ना बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट है भैया, मूव नहीं कर रहा, सो क्या इसके पास एनर्जी नहीं है? है सर, इसके पास स्टोर्ड एनर्जी है, इसके अंदर ही भरी हुई है वो एनर्जी। इस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी ऐसी एनर्जी जो उसकी पोजीशन, उसकी कॉन्फिगरेशन की वजह से उसके पास है, उस एनर्जी को बोलो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई मोशन होना जरूरी नहीं है, बस ऐसी कोई एक सर्टेन पोजीशन होती है जहां पर उसके पास एनर्जी हो सकती है। जैसे कि इस पोजीशन पे एनर्जी होगी, इस पोजीशन पे नीचे रख दूंगा तो एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो द एनर्जी, मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर बोलो क्या होती है, स्टोर्ड। जैसे इसके अंदर स्टोर्ड है, भरी हुई है, जैसे छोड़ूंगा दिखेगी आप लोगों को, इसमें भी भरी हुई है, भरी हुई अंदर स्टोर्ड है। जैसे डैम टूटेगा, ये निकालेंगे, ओपन करेंगे, पानी निकलेगा यहां से। और देखते हैं बहुत सारे केसेस हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है अगर आप लोग कंपेयर करते हैं काइनेटिक से। मान लीजिए कि यहां पर ये मेरे पास ऐसे करके है और मैं इसको खींच दूं, अब मैं इसको खींच दूं तो बताओ कैसा दिखेगा आप लोगों को, ये ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा। सब केस डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। अब आप मुझे बताओ, अभी वो रुका हुआ है, ऐसे रुका हुआ है, मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, इस तरीके से मैंने इसको पकड़ रखा है। अब मैंने अगर इसको पकड़ रखा है, रेस्ट पे है, तो क्या आपको लगता है कोई एनर्जी नहीं है उसके पास? सर भरी हुई एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है। जैसे ही यहां से छोड़ूंगा ना, एकदम से अंदर की तरफ मूव करेगा। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बॉडी में मोशन होना जरूरी। अभी आप बैठे हैं ना, आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट आपके अंदर जो बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है ना, दैट इज ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप भाग रहे हैं तो कौन सी एनर्जी आ चुकी है? काइनेटिक। और धीरे धीरे पोटेंशियल क्या हो रही है? खत्म हो रही है। आपके अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी वो क्या हो रही है? खत्म। आप यहां से 1 किलोमीटर भाग के जाएंगे, आपका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा और धीरे धीरे बीच में रस्ते में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कॉन्फिगरेशन की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास होती है, और काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। पोटेंशियल ही बाद में काइनेटिक कन्वर्ट हो जाती है जब उसको मौका मिलेगा। यहां से आप रास्ता छोड़िए, पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक में। रास्ता छोड़िए, पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक में। छोड़िए यहां से, पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक में। नहीं आ रही बात समझ में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर है? तो ये भी केस है। और कौन सा केस हो सकता है बच्चों? मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था, आप इस धनुष को अगर पीछे की तरफ खींच दें, स्ट्रेच कर दें। अच्छा, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी? अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। अभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इस पोजीशन में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। लेकिन अगर इसी धनुष को अगर मैं ऐसे पीछे की तरफ बोलो क्या कर दूं, स्ट्रेच कर दूं, ऐसे करके स्ट्रेच कर दूं और ऐसे करके इसके ऊपर तीर लगाओ, तो बोलो जरा, भले ही अभी रेस्ट पे होगा, अभी रुका हुआ है, काइनेटिक नहीं है, लेकिन इसके पास एक अच्छा खासा बोलो क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। बोलो है कि नहीं? ऐसे ही तो मुझे बताओ जरा, ये जो पेंडुलम इस तरीके से यहां पर मैंने पकड़ रखा है ऐसे, इसका स्पीड जीरो है और मैं इसको यहां पर होल्ड करके बैठा हूं, फिर भी इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, ये बॉब बोल सकते हैं इसको, बोलते हैं ना, पढ़ा था पेंडुलम वाला, ठीक है। सो तुम मुझे बस ये बताओ, जितने भी मैंने तुम्हें केसेस दिखाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इन सब में आपको नहीं लग रहा कि बॉडीज भले ही रुकी हुई हैं बट उनमें एनर्जी भरी हुई है, एनर्जी भरी हुई है, रुकी हुई है?
रुकी हुई है बॉडी लेकिन एनर्जी भरी हुई, ये भी रुका हुआ है एनर्जी भरी हुई है, रुकी हुई है एनर्जी भरी हुई, इसमें भी ये भी रुका हुआ है एनर्जी स्टोर्ड अंदर, ये भी रुका हुआ है एनर्जी स्टोर्ड है, और जैसे ही एनर्जी स्टोर्ड को मौका मिलेगा ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। सो ये होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें वन बाय वन करके डिस्कस करना है कि सबके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास कितनी, इसके पास कितनी, इसके पास कितनी, इसके पास कितनी, लेकिन हमारे सिलेबस हमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जीज पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करता, जो आपका सीबीएसई वाला सिलेबस है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने को बोलता है, इसकी बोलता है और इसकी बोलता है, वो धनुष वाले केस में डिस्कस नहीं करवाता आप लोगों के साथ, ये वाला भी जरूरी नहीं डिस्कस करवाया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत फ्लूट्स में आ जाएगा, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन धनुष वाला केस डिस्कस करना ही नहीं होता, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं आपको उसका भी पोटेंशियल एनर्जी समझा दूंगा कि जब कोई धनुष से पीछे खींचता है तो उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया था, अगर एक ऑब्जेक्ट एम मास का एच हाइट पर है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, एम जी एच, कितनी है बोलो, पढ़ा हुआ है ना फॉर्मूला। तो ऐसे सबका फॉर्मूला है कि जब इस वाले स्प्रिंग को, इस वाले ब्लॉक को, अगर ब्लॉक एम मास का है 5 मीटर से खींच दूं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो वो उसमें फॉर्मूला बनेगा जिसमें स्प्रिंग का भी कोई मैटर आएगा कि स्प्रिंग कितनी स्ट्रेचेबल है या कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, वो सब आएगा, तो वो बात की चीज है। लेकिन आप लोग बस मुझे पहले ही बताइए कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ में आ गया, तो बहुत सिंपल सा भैया इसका स्टैंड है, हम बोलते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, हम क्या बोलेंगे भाई जल्दी से लिख लेते हैं इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोला द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू, वर्च्यू एक तरीके से आधार होता है, हिंदी में अगर बहुत बेसिक शब्द बोले तो आधार या बेस, किसके आधार पर, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिग्रेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और क्या बोलेंगे, इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ बॉडी, ये हमेशा बॉडी में बोलो क्या होती है, स्टोर्ड रहती है, स्टोर्ड, स्टोर्ड समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, भरी हुई है, इसमें डैम में पानी है भरी हुई है, यहां पर रुका हुआ है इसमें एनर्जी भरी हुई है, जैसे ही मौका मिलेगा वो भरी हुई एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, बोलो किसमें, काइनेटिक में, आप में भी एनर्जी भरी हुई है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर होता है कि नहीं होता। अब अगली बात सीखते हैं बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी इन बॉडीज में आई कैसे, आप जरा एक बार दिमाग लगाना सब बच्चे, सोचना इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी क्या अपने आप आई होगी, क्या अपने आप हवा में चला गया होगा, किस कौन लेके गया होगा, आप लेके गए होंगे, अरे आपने ही तो उठा के इसको यहां तक रखा है, इसके पास जो ये पोटेंशियल एनर्जी आई, मान लो 50 जूल की पोटेंशियल एनर्जी आ गई बिकॉज इसके ऊपर कुछ हाइट आ गई, सब बच्चे बोर्ड पे भाई इधर, मैंने बोला एमजीएच की इसकी कुछ हाइट आ गई है, आजी यहां पर, तो एमजीएच मतलब इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, आपको पता होगा, तो मैं कुछ हाइट तक लेके आया हूं, तो इसमें मान लो अभी 50 जूल की एनर्जी आ गई है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो किसने बनाई इसके अंदर, मैंने ही तो बनाई ना, मैंने ही तो कुछ वर्क डन किया जिसकी वजह से बोलो इसमें क्या आ गई एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में किस वजह से आती है, जब उसके ऊपर कोई काम करता है तो उसके अंदर बोलो क्या भर जाती है, एनर्जी भर जाती है, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, बोलो एनर्जी में, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आप जरा बताओ क्या ये डैम में जो पानी भरा है क्या अपने आप भरा होगा, किसी मोटर के जरिए कुछ वर्क डन करा गया होगा, किसी ने बाल्टी डाल के भर दिया भाई, कुछ भी हुआ वर्क डन तो हुआ ना, वर्क डन हुआ और डैम के अंदर पानी भर गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनी है किसी के काम करने की वजह से। सो पोटेंशियल एनर्जी जो बनती है वो किसके कारण बनती है, बोलो जितना आप अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं उतनी ही ज्यादा बोलो क्या बनती है, पोटेंशियल एनर्जी। एक और समझते हैं, आप मुझे बताओ इसके ऊपर जितना ज्यादा काम करूंगा, हाँ भाई नितिन यहां पर, इसके ऊपर जितना ज्यादा काम करूंगा, इसको जितना ज्यादा मैं खींचूंगा पीछे की तरफ, उतना ज्यादा बोलो इसमें क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। अरे थोड़ा काम किया थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी बनी, ज्यादा खींचा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बनी, और ज्यादा खींचूंगा ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, बोलो एग्री और नॉट। इधर बताओ जरा, जितना ज्यादा काम करूंगा उतनी ज्यादा बोलो क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर जितना ज्यादा इसको दूर लेके जाऊंगा उतनी ज्यादा बोलो क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। मींस पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में कितनी स्टोर्ड होती है, जितना उस बॉडी पे काम करा होगा उतनी ही बोलो उसके अंदर क्या स्टोर्ड होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ नहीं आया तुम लोगों को, एक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी किसके रिजल्ट्स की वजह से बनी है, वर्क डन की वजह से, आपने ही तो काम करा तभी तो यहां गई है, समझो मेरी बात को। So the amount of work done on the body is equal to the potential energy stored in the body. जितना ज्यादा आप amount of work done करेंगे उतनी ज्यादा उसमें बोलो potential energy क्या हो जाएगी, stored हो जाएगी। आप थोड़ा और काम करोगे थोड़ा और खिंच जाएगी और potential energy stored हो जाएगी, बोलो agree करते हो कि नहीं करते। कम काम करोगे कम potential energy, ज्यादा काम करोगे ज्यादा potential energy, और ज्यादा काम करोगे और ज्यादा potential energy। तो potential energy किसके results की वजह से आती है, work done की वजह से। तो एक बहुत सिंपल सी बात आप लिखेंगे, that potential energy stored in body किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी किसके बराबर होती है, वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द
अरे यार समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट। अरे यही वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट भी बनेगा आगे चल के, जो तुम बुक्स में देखते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है? वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आप जो भी काम करते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बोलो, एनर्जी में। आपने काम किया, इस ब्लॉक को ऊपर लेके गए। क्या आप लोगों ने काम नहीं किया? एक बार सब बच्चे भाई, मैं इस डस्टर को यहाँ से, सॉरी, इस रिमोट को यहाँ से उठा रहा हूँ, मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है। लगाना पड़ रहा है कि लगाना पड़ रहा? और मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट करी, तो मैंने क्या करा? बोलो काम। जो मेरा वर्क डन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? बोलो एनर्जी में। जितना काम करता जाऊंगा उतनी, बोलो इसमें क्या बनती जाएगी? एनर्जी। जितना ऊपर तक लेके जाऊंगा, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करूंगा उतना ज्यादा काम होगा, और उतनी ही ज्यादा, बोलो इसमें क्या बनेगी? एनर्जी। सो सिंपल सी बात है कि जो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है वो किसकी वजह से होती है? बोलो, वर्क डन ऑन द बॉडी। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया भाई सबको? नहीं आया समझ में? भूमि, नहीं आया समझ में? है ना, जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा बॉडी में, बोलो क्या बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर 100 गैलन पानी भर दो तो क्या होगा? ओज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो हायर अमाउंट ऑफ वर्क डन रिजल्ट्स इन द हायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द बॉडी। नहीं आ रहा समझ में? आगे बढ़े बहुत, मैं बताऊँ आपसे, 8वीं 9वीं क्लास की चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से भी, लेकिन वो मजबूरी है कि हम 11th क्लास में सब डिस्कस करना पड़ता है। 12th में पोटेंशियल एनर्जी कभी इतनी बात ही नहीं करते, कभी वो शब्द आता भी है तो, लेकिन 11th में करना पड़ता है। हमें 9th वाला पूरा बेसिक डिस्कस करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये वाली बात समझ में आ रही है? 9th क्लास की चीज़ें, 9th के टीचर्स ने आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ ये वाला। अब अगली बात सुनो। अब अगली चीज़ क्या है? पहले हम 1 by 1 करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट सम हाइट एच। सब बच्चे बताओगे कोई बॉडी एच हाइट पे हो तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? लेकिन ये निकला कैसे? अरे बड़ा सिंपल है यार, ये बॉडी एच हाइट पे है, इसका मास कितना है? बोलो एम है। इसको मैं उठा के तो यहीं से लेके गया हूँगा। अरे बोलो, है कि नहीं? अब आप लोग मुझे, सब बच्चे एक बात बताना भाई, क्लास इधर, इस बॉडी को ऊपर तक लिफ्ट करने में कितना काम करना पड़ा होगा? वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास एम बाय हाइट एच इज, सब बच्चे बताओ भाई, वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और कॉस थीटा भी लगा सकता हूं? अरे यार नहीं आ रहा समझ में। सिंपल एफ एस कॉस थीटा लिख दूं, समझते हो बच्चों? चलो मुझे एक बात बताओ, अगर इस बॉडी का मास एम है तो क्या मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं कि एक बॉडी का मास अगर एम है तो ग्रेविटी उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, mg। ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अगर आपका मास 60 kg है तो आपको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है कितने फोर्स से? 60 kg इंटू 10, 600 न्यूटन से, क्योंकि मास इंटू में जी। तो mg फोर्स से हमेशा ग्रेविटी किसी भी चीज को नीचे खींचती है। तो मुझे बताओ, इसको मुझे ऊपर उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा? जब मैंने इसको ऐसे ऊपर उठाया होगा तो मुझे इसको उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा? बोलो mg। अरे अगर 600 न्यूटन है तो कम से कम कितना लगाना पड़ेगा? 600। आप एक बात बताओ मुझे सब बच्चे, अगर 60 kg की बॉडी है तो नीचे कितना फोर्स लगा होगा? सब बच्चे बताओ, 60 × 10 = 600। क्या मैं 599 का फोर्स लगा के इसको उठा सकता हूँ कभी? नीचे 600, ऊपर 599, कभी नहीं उठ पाएगी। हाँ, 600 का लगाने पर भी आप कहेंगे सर कहाँ से उठेगी? यार आप मान लो 600.1 का लगाया, 600.1 का, तो भी तो उठ जाएगी ना। और 600.0001 का लगाया तो भी, तो मैं मान के चलता हूँ 600 पे उठ गई। कितने पे उठ गई? बोलो 600 पे, समझो। तो मान लो कि मैंने mg फोर्स लगाया और ये बॉडी, बोलो क्या हो गई? लिफ्ट होने लग गई। और इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया? बोलो h। सब बच्चे मुझे बताओ भाई, अगर इस बॉडी का मास m है तो ग्रेविटी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है? mg। तो मुझे इसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा? mg। स्वास्थ्य यहां पर, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ा mg। मुझे बताओ मुझे कितनी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी? बोलो h। h डिस्प्लेसमेंट, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो मुझे बताया कि ये आएगा cos 0, और cos 0 तो बोलो क्या आएगा? mgh। और ये जो मेरे को वर्क डन करना पड़ा, ये बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो बोलो मैं, दिस वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे सब बच्चे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? जितना उसके ऊपर, बोलो क्या किया गया? वर्क डन। और सब बच्चे मुझे बता दो भाई, वर्क डन कितना करा गया एक बॉडी को अगर मैंने एच हाइट तक लिफ्ट करा है? बोलो mgh। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो कितना बन गया? mgh।
ऐसे ही वन बाय वन करके मैं आपको सिर्फ इस केस का नहीं, मैं आप लोगों को इस केस का भी कराऊंगा कि अगर मैंने इसको x यूनिट तक स्ट्रेच करा तो मैं कैलकुलेट करूंगा मैंने कितना काम करा। अगर मैं इसको 5 यूनिट खींचूं, 6 यूनिट खींचूं, तो मैं 5 या 6 ना लेके बोलो क्या मानता हूं, x मानता हूं। क्या मानता हूं बोलो, कि अगर मैंने इसको x खींचा तो मैंने कितना काम करा। वो काम का जैसे मुझे फॉर्मुला पता लग जाएगा, मैं जितना काम करा उतनी बोलो इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इस धनुष को यहां से लेकर यहां तक खींचने में मुझे कितना काम करना पड़ा, जितना भी मुझे काम करना पड़ा वही बोलो मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी जितना मुझे काम करना पड़ा इसको भरने में वही बोलो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। हर केस में जितना आपको वर्क डन करना पड़ रहा है बॉडी के ऊपर उतना ही बोलो उसमें क्या भर जाता है, बोलो पोटेंशियल एनर्जी। और ये बहुत बहुत मैं सिंपल चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आज की क्लास में कुछ भी मुश्किल जैसा है नहीं, ठीक है। एक बार ये सब बेसिक वाला पार्ट खत्म होएगा उसके बाद थोड़ा बढ़िया डिस्कस होने वाला है। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ ये सारा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ग्रेविटेशनल वाला तो आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया, ये ग्रेविटेशनल वाला पोटेंशियल एनर्जी है, ये धनुष वाला अलग रहेगा, ये वाला अलग रहेगा। लेकिन हमने एक केस डिस्कस कर लिया, जब भी कोई चीज हाइट पे होती है तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड होती है। और सब बच्चे बताइए कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, MGH। सबको क्लियर होगी ये वाली बात। अब चलिए अब कुछ एक ऐसा टॉपिक भी करा जाए जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी अब तक बताया इसमें से तो एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जितना भी अब तक बताया। लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी था। लेकिन जो अब ड्राइव कराऊंगा ना, अगर आप चाहते हो कि हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में सर कोई 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बताओ जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई चांस है, तो वो टॉपिक अब कराने वाला हूं। इसको बोलते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। बच्चों बोर्ड पे या तो इसको ऐसे बोलो, या तो ये ऐसे ड्राइव आएगा, या एक क्वेश्चन बनेगा शो दैट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन। बच्चों बातें करने के लिए तो नहीं बोला, और मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन जो मैं आप कराने वाला हूं ना, आशीष आशु बातें मत करो भाई, ये जो मैं तुम्हें ड्राइव कराने वाला हूं ना, ये ड्राइव सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर से मैंने पेपर्स में आता हुआ देखा है। इस चैप्टर से 2 से 3 चीजें ना बड़ी फेवरेट हैं बोर्ड की, सीबीएसई वाले बनाते हैं। एक इलास्टिक कोलिजन है जो भी आ गया इसके बाद, और एक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये मतलब फिक्स है, मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ बच्चों ये आता है ड्राइव, और ये हर बार एज इट इज आता है, हर बार एज इट इज आता है। इवन फाइनल्स के एग्जाम्स के अंदर भी आप लोगों को इसका ड्राइव मिलेगा मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइव है, इसे अच्छे से सुनिएगा। इसी बंद हो गया तभी लग रहा है पसीना। अच्छा एक बार वो क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। अबे मतलब समझाओ मेरे को, गेट खोल लो बच्चों, गेट खोल लो वाला मुश्किल लग रहा है। अरे चल जाता है फिर हम बुलाना, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना भूल जाते हैं। चलो कोई नहीं, सुनो क्लास कोई नहीं, आधे घंटे की क्लास है, मौसम ऐसा है कि बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं लगेगी। तो सुनो पंखे तेज कर रहा हूं मैं, लेकिन मैंने पंखे
शर्त पे तेज किए भाई ए क्लास, क्या आप लोग बिल्कुल चुप रहोगे? बिकॉज पंखे तेज होने के बाद क्या होता है ना कि बहुत तेज आवाज करते हैं, ये प्रॉब्लम करते हैं भाई। अगर आप लोगों को गर्मी लगी तो यहाँ पर आ जाओ, मैनेज कर लोगे, से मुश्किल से 20-25 मिनट मैनेज कर रहे हैं। ओए क्लास चलो भाई अब चुप हो जाओ, और इस ड्राइव को सब बच्चे बिल्कुल फोकस रहेंगे, मेरे को कोई बच्चा कुछ मस्ती करता नजर ना आया भाई। इधर शिवम, ऐसा है कि उसने क्वेश्चन में ये बोला कि आपको साबित करना है कि जब एक बॉडी फ्रीली गिर रही होती है, अब फ्रीली गिरने का मतलब क्या, एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, ऐसे से नीचे आ रही है, अच्छा नीचे आ रही है, तो मुझे सब बच्चे बताएंगे जरा पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, क्योंकि जितनी हाइट बॉडी की कम होती जाएगी उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होती जाएगी, कम। हाँ भाई, क्योंकि उस बॉडी का मास सेम रहेगा, जी सेम रहेगा, उसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भैया वो सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, लेकिन हाइट कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बोलो क्या होती रहेगी, रिड्यूस। सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, जब मैंने एक बॉडी को बिल्कुल टॉप पे पकड़ रखा है, किसी 3 मंजिल की बिल्डिंग में मैंने एक बॉडी पकड़ रखी है आदर्श इधर, अब मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, सबसे पहले उसकी बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, क्योंकि मैंने उसको पकड़ रखा है तो उसकी वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या है, सबसे ऊंची हाइट पे है तो बहुत हाई है, बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब मान लो कि 100 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है, कितने की बोलो 100, और काइनेटिक कितना, जीरो। अब मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, जैसे ही ड्रॉप करा अब आपको क्या लगता है, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हर सेकंड में बॉडी की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ये बात जिन बच्चों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा है उनको पता होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ सोच लीजिए, अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बॉडी की स्पीड हर सेकंड में कितने से बढ़ जाएगी, 10 से। तो भैया नीचे आते हुए बॉडी की स्पीड बोलो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब बोलो क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी, क्या बढ़ रही है, तो नीचे आते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। सुना नहीं आ रही बात समझ में? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जैसे कि मान लो यहां पर ये ग्राउंड है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है बॉडी का, यहां पर आपको पता है बॉडी रुकी हुई है तो वेलोसिटी जीरो है, तो बोलो काइनेटिक कितना होएगा, जीरो, पोटेंशियल बताओ कितना होएगा, मान लो 100, सपोज दैट 100 है, क्योंकि कुछ हाइट है। अब जैसे तुम बॉडी को ड्रॉप करोगे तो बॉडी नीचे आना शुरू होगी, और जैसे बॉडी नीचे आना शुरू होगी, मान लो मैंने बीच में एक पॉइंट ले लिया, ये वाला, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब बॉडी होगी तो आपको पता है उसकी हाइट अब कम हो चुकी है। शिवम, अगर हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन आपको पता है कि अब उसके पास स्पीड आ चुकी है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बढ़ गई होगी। तो हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाई कि बच्चों कि जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी है ना, मान लो अगर 20 जूल हो गई है, 20 जूल हो गई है, तो पोटेंशियल हमने पाया 80 जूल, कितना पाया बोलो, मतलब पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया, काइनेटिक थोड़ा बढ़ गया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन वाली चीज पाई कि जितना पोटेंशियल घटा उतना ही काइनेटिक बढ़ा। समझे नहीं ना क्या हुआ, 20 जूल अगर पोटेंशियल कम हो गया, क्यों कम हो गया सर, हाइट कम हो रही है, तो 20 जूल ही बोलो क्या बढ़ा है, बोलो काइनेटिक बढ़ा है। अच्छा, लेकिन आप लोग जानते हैं जितना नीचे आती जाएगी बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी, बॉडी की स्पीड, तो काइनेटिक बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल घटता जाएगा क्योंकि हाइट कम हो रही है। थोड़ा और नीचे आए, मान लो यहां पर देख लो आप लोग, तो जब यहां पहुंचे तो पता लगा कि काइनेटिक बढ़ के हो चुका है 60 जूल, और पोटेंशियल बोलो कितना हो चुका है, 40 जूल, कितना हो चुका बोलो, आप बताइए, पहले भी सम दोनों का कितना था बोलो 100, यहां पर भी सम बोलो कितना है, यहां भी बोलो सम कितना है, और बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट पे जाके आपको पता है हाइट बिल्कुल शून्य हो जाएगी जब ये बिल्कुल ग्राउंड को टच करने वाला होगा, आशु जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा बॉडी, तब ये बिल्कुल क्या होगा, इसका पोटेंशियल बोलो कितना हो जाएगा, जीरो, और इस वक्त पर इसकी काइनेटिक बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी 100 जूल। तो मुझे तुम बताओ इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जब भी एक बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, बोलो काइनेटिक में, और धीरे धीरे पोटेंशियल कम होता जाएगा, काइनेटिक बढ़ता जाएगा, लेकिन जो सम है दोनों का वो हमेशा सेम रहता है, वो हमेशा। अच्छा, अगर मुझे तुम एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैंने इन दोनों के सम को सेम दिखा दिया, 100 जूल 100 जूल 100 जूल हर जगह पर, बल्कि काइनेटिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, खत्म, वो एक कम हो रहा है और एक ज्यादा हो रहा है, लेकिन दोनों का सम हर बार 100 ही है, वंश दोनों का सम हर बार बोलो कितना है, 100, तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट होगी लेकिन खर्च कहीं नहीं होती है, एक से दूसरे में कन्वर्ट होगी, पहले भी 100 था दोनों का सम, अभी भी 100 है, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, अरे नहीं आ रहा समझ में। तो मुझे क्या साबित करना है ना, आप लोग जरा पहले इस सिनेरियो को देख लो फिर बताता हूं, पहले आपने सिनेरियो देख लिया वाला, किसी को डाउट है इसमें तो मुझे बोलो फटाफट से, अरे बताओ भाई विशेष यहां पर ध्यान दो, क्या इस केस में कोई डाउट है आप लोगों को?
हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है, फिर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं पोटेंशियल कम हो रहा है, काइनेटिक ज्यादा हो रहा है, और हमने पाया जितना पोटेंशियल कम होता है उतना ही काइनेटिक ज्यादा होता है, और दोनों का सम हर वक्त बोलो कितना है, बोलो 100। अच्छा, दोनों के सम को या तो टोटल एनर्जी बोलते हैं या बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर होता है कि नहीं होता हिमांशी? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ फटाफट से, ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? शो दैट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन। सही बात है, साबित करो कि गिरती हुई बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी हर जगह पर बोलो क्या रहती है, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब क्या होती है? अच्छा, नीचे वाली बात पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है भाई, अब शुरू करूं? लेकिन आप ऐसे वैल्यूज में नहीं करते कभी प्रूफ, 100, 80, 20 ऐसे नहीं करते, कैसे करते हैं आइए बोर्ड पर समझाता हूं। कोई भी बच्चा ना बातें नहीं करता, देखिए ध्यान रखना इस टॉपिक में। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर ए बॉडी, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट। मैं तीन पॉइंट पकड़ लेता हूं उसके मोशन के दौरान, एक ए पॉइंट यहां पर कहीं पर ले लेते, बोलो कौन सा पॉइंट, बोलो बी पॉइंट, और यहां पर कौन सा पॉइंट ले लेते, बोलो सी पॉइंट, जब ये बिल्कुल टच करने वाला है। तीन पॉइंट्स हैं। अच्छा, मैं क्या करूंगा, ये बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुई, इसकी वेलोसिटी इनिशियली बोलो कितनी वेलोसिटी है? जीरो। मैं बोल सकता हूं द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए इज जीरो। इनिशियली ये बॉडी हमने ऊपर ऐसे होल्ड कर रखी थी, ऊपर हमने बोलो बॉडी को बोलो क्या कर रखा था, होल्ड। उस वक्त पर ये ए पॉइंट है, जब मैंने छोड़ दी तो चलती हुई आ रही, बीच में यहां पर बी पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट में बोलो कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। तुम मुझे बताओ, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि ए पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जो आ रहा है वही बी पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल का सम आ रहा है और वही सी पॉइंट पे आ रहा है, तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व प्रूव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझे नहीं मैंने क्या बोला? मैं ए पॉइंट पे भी क्या निकालूंगा बोलो, काइनेटिक भी पोटेंशियल भी। मैं बी पे भी निकालूंगा काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, और सी पे भी निकालूंगा काइनेटिक भी और अगर तीनों पॉइंट्स पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम एक जैसा आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर टोटल एनर्जी हमेशा बोलो क्या रहती है, एक जैसी रहती है, चाहे बॉडी नीचे आ रही है, काइनेटिक बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, लेकिन टोटल हमेशा बोलो क्या रहता है, सेम रहता है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलिए वन बाय वन करते हैं, और बड़ा आसान सा खेल है बच्चों, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। अब मान लेते हैं कि जो ए बॉडी है ना, ये कितनी हाइट पर है, मान लेते हैं एच हाइट पर है, कितनी हाइट पर है? चलिए आइए बोर्ड पे आइए सब बच्चे, सबसे पहले काम करते हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। अब जो बच्चे मेरे को थोड़े सुस्तू दिख रहे हैं ना, तैयार नहीं जवाब देने के लिए, सबसे पहले हर्षित, हर्षित पॉइंट ए पे आप मुझे बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, मुश्किल नहीं पूछ रहा मैं, मुझे काइनेटिक एनर्जी बता बॉडी की कितनी होगी, ए पॉइंट पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, सब बच्चों से पूछूंगा, ध्यान रखना अपनी बारी का इंतजार करें। हाँ बोलो, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों? जीरो तो आसपास सुन लिया, जीरो कैसे होगी? बताओ बताओ बताओ, नहीं बताना, पोटेंशियल बता दे, चल पोटेंशियल कितनी होगी, क्यों नहीं पता भाई, क्यों नहीं पता है? कितनी होगी भाई काइनेटिक एनर्जी शिवम? जीरो। और पोटेंशियल? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी होगी शिवम? हाइट है, एच है इसकी, एच हाइट है, एम जी एच, एच हाइट है तो कितनी होगी? एम जी एच। तो मुझे ये बताओ हर्षित, ध्यान दे लेने तो पिटाई होना शुरू हो जाएगी बस। अभी 1.5 महीना बचा है ना, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज नहीं तो आज मैं बताता हूँ तुम लोगों को, क्वेश्चन पूछता पिटाई भी करता तुम लोगों की। तुम लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बहुत स्मूथली ऐसे चलता रहेगा, सर पढ़ाते रहेंगे, हमारा मन है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो वो तुम्हारे साथ वो रवैया चेंज करना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ दिख गई है। मेरे को टॉपिक कंप्लीट कराने की अर्जेंसी है 16 मिनट के अंदर, नहीं तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास से मैं बताता, तुम पढ़ के बताना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलो? हाफ एम, मास इसका एम है, दिस इज द वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर। यार ए पॉइंट पे मैं एनर्जी पूछ रहा हूं, तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वही डिसाइड करेगी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉडी कैसे पकड़ रखा हमने। तो मुझे बताओ जरा, मेरी वी ए जीरो है तो बोलो कितना आ जाएगा? जीरो। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना आएगा? सो इट्स एम जी, और हाइट जो भी ए पॉइंट पे है तो बोलो एच, सो बच्चों एम जी एच हो गया, सही है। तो मुझे सब बच्चे बताओ जरा, टोटल एनर्जी कितनी आई ए पॉइंट पे, टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट, तो बोलूंगा मैं काइनेटिक एट ए पॉइंट
एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट, क्योंकि बॉडी के बाद दो ही एनर्जी होंगी, या तो उसके मोशन की वजह से या उसके कॉन्फिग्रेशन की वजह से। अभी हीट एनर्जी वगैरह डिस्कस ही नहीं कर रहे कि सर बॉडी गर्म भी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, वो तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बॉडी के पास मैकेनिकल एनर्जी, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। तो बात ध्यान समझिए, या तो मोशन की वजह से एनर्जी है या पोजिशन की वजह से। तो मोशन की वजह से उसके पास कोई एनर्जी नहीं है पॉइंट पे, क्योंकि बॉडी रुकी हुई है। तो वेलोसिटी बोलो कितनी, जीरो। तो काइनेटिक होएगा जीरो, पोटेंशियल बोलो कितना आएगा, mgh, क्योंकि h हाइट पे भाई। सो टोटल सम कितना आ गया बच्चे, क्योंकि इस समय टोटल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर ही होती है। क्यों होती है बराबर, क्योंकि काइनेटिक तो कितना होता है बोलो, जीरो होता है। देवांग बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एट पॉइंट बी की। आ जाओ भाई सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, एट पॉइंट बी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं कि बी पॉइंट है ना, इससे एक्स यूनिट नीचे है। कितनी यूनिट नीचे बोलो, एक्स यूनिट नीचे। एक्स यूनिट नीचे आके मेरा फिर मन हुआ कि मैं देखूं जरा कितनी काइनेटिक एनर्जी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, फिर मैं दोनों को क्या करूंगा बोलो, सम। अच्छा अगर मैं एक्स यूनिट आके नीचे देख रहा हूं तो मुझे बताओ, अगर टोटल एच में से एक्स यूनिट नीचे आ चुका हूं तो ये कितना बचा बोलो, एच माइनस एक्स। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, ठीक है भाई। अब सब बच्चे मुझे बताना शुरू करो, अगर मान लो मैं पोटेंशियल एनर्जी पहले पूछता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी तो कितना होगा, कौन बचा जाएगा, स्वास्तिक तुम बताओ बी पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बड़ा आसान सा है, मैं कुछ मुश्किल पूछ ही नहीं रहा हूं, बोलो बी पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बाकी को पता है, बताओ MGH, यही है, ध्यान नहीं है क्लास के अंदर। बच्चों की शक्ल से पता लग जाता है कि कौन क्लास में ध्यान दे रहा और कौन नहीं दे रहा। अभी मैं पांच बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मेरे को पता है जिनको नहीं पता इसका आंसर, क्योंकि शक्लें बता देती हैं कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है, और ये भी पता है कि किसको पता है। अक्षत कितना होगा जल्दी बताओ, MGH माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर बी पॉइंट पे हाइट बोलो कितनी है, एच माइनस एक्स, एच माइनस एक्स। तो बोलो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बोलो mg, फॉर्मूला होता है MGH, हाइट जो होती है ना, तो हाइट कितनी है बोलो यहां पर, एच माइनस एक्स, तो MGH माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कोई, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा MGH माइनस का MGX। वैसे तो यहां पर एक दिमाग बड़ा बढ़िया लगा सकते हैं आप लोग कि जितनी पोटेंशियल घट गई, पोटेंशियल पहले MGH थी अब घट गई MGX, तो काइनेटिक कितनी मिलेगी, MGX। लेकिन ऐसा करना मत, ये तो आपको साबित करना है ना, ये तो आपको साबित करना है कि जितनी घट रही है उतनी बढ़ रही होगी वो। तो ये कैसे साबित करूं, सब बच्चे बताओ, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी होगी, हाफ एम जितनी वेलोसिटी बी पॉइंट पे होगी, सही बात है कि नहीं। अब बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी ये हमने सीखा था काइनेमेटिक्स में। अब जिन बच्चों ने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, कोई नहीं बच्चों, नाइन्थ क्लास के अंदर आप लोगों ने काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस तो पढ़ी थी ना, कौन कौन सी, एक पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक पढ़ी थी s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, पढ़ा था आप लोगों ने, मुझे बताओ। जिन बच्चों ने काइनेमेटिक्स अभी नहीं पढ़ा कोई ज्यादा टेंशन नहीं, बात नहीं बच्चों, v आप लोगों के लिए होता था फाइनल वेलोसिटी, u का होता था बोलो इनिशियल वेलोसिटी, a होता था एक्सेलरेशन और s होता था डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको यहां पर साइड में एक चीज करके दिखा रहा हूं, आपने एक मोशन कंसीडर करो फ्रॉम ए टू बी, सब बच्चे ए से बी, तो ए से बी के मोशन में मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है कितना, डिस्प्लेसमेंट है बोलो एक्स, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है बोलो कितनी, जीरो। मुझे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, मुझे बी पे वेलोसिटी नहीं पता कितनी, वही मेरे को निकालनी है। दूसरी बात मुझे पता है कि जब बॉडी नीचे आ रही है तो उसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज मुझे बच्चों ए पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे बस क्या निकालना है बोलो फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने फॉर्मूला लगाया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना, बड़ा ही आसान केस है। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी, अच्छा वैसे तो फॉर्मूला ये है सब बच्चे, वैसे तो फॉर्मूला ये है, लेकिन मैं इसको बोलो कैसे लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी b पे है तो वेलोसिटी एट b का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी a पे है तो बोलो क्या, वेलोसिटी एट a का स्क्वायर। इसमें कोई टेंशन तो नहीं है, अरे यार ये फाइनल वेलोसिटी, ये बोलो क्या, इनिशियल, इनिशियल को मैंने नाम v दिया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है इस बात से, दिक्कत लग रही है। बराबर बताओ कितनी आएगी बोलो, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब एक्सेलरेशन कितना बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और s बोलो कितना बोलो, x डिस्प्लेसमेंट x का। अरे यार ये समझ में नहीं आया, जिन बच्चों ने काइनेमेटिक्स नहीं करा उनको भी आ गया, क्योंकि v स्क्वायर मतलब कि a से b का मोशन है तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो v a का, v b का स्क्वायर माइनस v a का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जो उसके ऊपर लग रहा है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो ये a से b में x यूनिट्स की। सब बच्चे बताओ v a कितना, 0, तो बोलो v b का स्क्वायर कितना आ गया, v b स्क्वायर माइनस 0 2gx आ गया, और सब बच्चे मुझे फटाफट से बताओ v b स्क्वायर कितना आ गया, 2gx, v b स्क्वायर। सब बच्चे दिस v b स्क्वायर इज, शोर मत करना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई,
2gx आ गया, तो वीवी स्क्वायर जैसे ही 2gx आया पुट करो उसको, पुट करो सब बच्चे 2gx, बोलो दो से दो कट जाएगा, बोलो आंसर कितना आया। अब तुम मुझे ध्यान से एक चीज देख के बताओ, क्या तुम्हें वो समझ में आ गया जो मैं बोल रहा था कि अगर वो 100 है, शुरू में मैंने बोला था कि अगर वो 100 है, थोड़ी देर बाद अगर ये 20 घट गई पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक 20 ही बढ़ेगी। आप जरा देखो, पहले पोटेंशियल एनर्जी MGH थी, बाद में बी पॉइंट पे क्या हुआ आशीष, MGH में से MGX कम होगी, MGX कम होगी, तो आप काइनेटिक में देखो कितना आया, MGX ही आया। जितना वो कम हुआ उतना ही ये ज्यादा होता है, यही है कंजर्वेशन। नहीं आई बात समझ में? और यहां पर अगर आप टोटल एनर्जी को निकालते हैं, उधर कर दूं तो मुझे बताओ फटाफट से टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा, एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा टोटल एनर्जी एट बी, तो आप लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। सब बच्चे बताओ पोटेंशियल कितना, सब बच्चे MGH माइनस का MGX प्लस का MGX, तो MGX से MGX कट जाएगा आंसर। जरा बताओ ए पॉइंट पे कितनी थी टोटल एनर्जी और बी पॉइंट पे भी, टोटल सेम है सर, काइनेटिक पोटेंशियल घट रहे बढ़ रहे बट टोटल बोलो क्या है, सेम है। एक काम करते हैं सी पॉइंट पे भी ले लेते हैं, और सी पॉइंट मैंने बिल्कुल नीचे लिया है, सो मैंने बोला बच्चों एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, तो मुझे सब बच्चे बताओ पहले पोटेंशियल निकाल लें, आसान हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना होगा भाई जतिन, सी पे कोई हाइट ही नहीं है सर, सी पॉइंट पे कोई हाइट ही नहीं है, तो हाइट जीरो हो गई, वंश बात समझ आ रही है, तो हाइट जीरो हो गई तो बोलो पोटेंशियल जी कितनी आ जाएगी, एम जी, हाइट जीरो हो गई, सो आंसर कितना आ गया जीरो। अब काइनेटिक देखते हैं सी पे कितनी होगी, सो काइनेटिक सी पे होगी हाफ एम वी सी स्क्वेयर। अरे ये बिल्कुल वो वाला पॉइंट होता है जब बॉडी ग्राउंड को टच करने वाली होती है, तो वी सी स्क्वेयर कितना होगा ये निकालना बड़ा जरूरी है। जैसे कि इधर वी बी था, इधर बोलो क्या था, वी सी, तो वी सी कितना होगा, तो सेम तरीका हम लगाएंगे, यही वाला इक्वेशन लगाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर बी सी सी लगाओगे, मैं कहता हूं यार बी सी सी आप लगा सकते हो, बी सी सी आप लगा सकते हो कि बी सी सी में इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, इसको बोलो क्या मान लिया फाइनल, ये मान लिया डिस्प्लेसमेंट, कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा बी सी सी करने के बजाय ए सी सी करो ना, क्यों, ए सी सी में फायदा क्या है, ए पर वेलोसिटी जीरो है, ए पर वेलोसिटी, तो मेरे लिए यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा बोलो क्या होने वाला आसान। तो मैं यूं देखूंगा कि अगर ए पे जीरो वेलोसिटी है तो पूरी एच यूनिट की डिस्प्लेसमेंट के बाद सी पर कितनी वेलोसिटी होगी, मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो क्या 2as, क्योंकि मुझे ये पता है कि इनिशियल जीरो है, फाइनल मेरे को निकालनी है, एक्सेलरेशन जी का लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई एच यूनिट की। अरे आपकी इच्छा है आप बी से सी भी कर सकते हो और ए से सी भी कर सकते हो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आपको लगेगा तो मैं दिखा दूंगा। तो यहां पर मुझे बताओ मैंने कैलकुलेट करा फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू, तो मुझे बताना जरा क्या बनेगा, फाइनल वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर, बराबर बोलो कितना आएगा, बोलो 2as होता है वैसे, तो बोलो vc का स्क्वायर मुझे निकालना है, va तो बोलो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो जाएगा, बट a से c में डिस्प्लेसमेंट हुआ h का, तो मुझे बताओ vc स्क्वायर कितना आ गया 2gh, तो vc स्क्वायर अगर 2gh है तो यहां पर वैल्यू पुट करो हाफ m 2gh, पूरा vc स्क्वायर 2gh है, तो बोलो 2 से 2 कैंसिल, योर आंसर इज mgh। आपने क्या पाया, ध्यान से देखा, जो शुरू में सारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो लास्ट में पूरी बोलो क्या बन चुकी है, काइनेटिक बन चुकी है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और पोटेंशियल जीरो हो चुका है, आपको आई समझ बात। तो यहां पर टोटल कितनी आएगी बताओ जरा, टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट कितना आएगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी एट सी काइनेटिक एनर्जी एट सी, बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा पेपर में, जीरो प्लस में MGH। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर काइनेटिक का फॉर्मूला भी आपने MGH लिख दिया, अरे वो कन्वर्ट हुआ है पूरा ना, द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज सेम एज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, जितनी ए पे पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी सी पे बोलो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सारी पोटेंशियल यहां पर किसमें कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, तो टोटल बोलो कितना आएगा बच्चों MGH। तो मुझे तुम ये बताओ मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दूं और इसको सेकंड नाम दूं और इसको थर्ड नाम दूं, तो बोलो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये साबित करता है कि एक फ्रीली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी या जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्वड रहता है, वो खर्च नहीं होता, वो जितना है उतना ही रहता है, बस काइनेटिक पोटेंशियल एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम। नहीं आया ना समझ में, पक्की बात है, तो हम बोल सकते हैं इट शोज दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑलवेज रिमेन कंजर्व। नहीं आई बात समझ में, कंजर्व बोल सकते हो या कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, और क्या इस ड्राइव को करना कोई बहुत मुश्किल चीज है,
ये बिल्कुल आसान है और पेपर में ही इतना हिट टॉपिक है ना, टीचर्स बार 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 बच्चों को देते रहते हैं, ऐसे लिख के देते हैं, शो दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट, रिमेन कंजर्व्ड। बच्चा एकदम से क्वेश्चन पढ़ता है और इसको ड्राइव को कर देता है, जो पढ़ के गया घर से, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको करना। तो मुझे बताओ जरा, वैसे ये ड्राइव कैसे करने वाले हो आप लोग? सबसे पहले क्या करोगे, एक पॉइंट ए मानोगे, कितनी हाइट में मानोगे बोलो, एच हाइट पे, फिर थोड़ा सा उससे नीचे एक्स यूनिट नीचे कौन से पॉइंट मानोगे, बी पॉइंट, और लास्ट में कौन सा पॉइंट मानोगे, सी पॉइंट। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस पे भी काइनेटिक पोटेंशियल, इस पे भी काइनेटिक पोटेंशियल, इस पे भी काइनेटिक पोटेंशियल निकालनी है। पहले वाले पे बड़ा आसान है, काइनेटिक जीरो होएगा, पोटेंशियल एमजीएच होएगा, टोटल भी एमजीएच हो जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बी पॉइंट पे आते हैं यहाँ पर काइनेटिक भी होता है और पोटेंशियल भी होता है, क्योंकि बॉडी चल भी रही होती है और हाइट भी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल कितना, क्योंकि ये तुम्हारा एक्स नीचे आया है, तो हाइट कितनी बची है, एच माइनस एक्स, कितनी हाइट बची है बोलो, एच माइनस एक्स, तो पोटेंशियल होएगा एम जी इंटू में एच माइनस एक्स, और काइनेटिक होएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर। वी बी स्क्वायर कैसे निकाला मैंने, मैंने कहा ए से बी के मोशन के दौरान हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू में टू इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट। नहीं आई बात समझ में? तो यहां से वी बी स्क्वायर आ गया, टू जी एक्स पुट करा मैंने, जैसे ही मैंने पुट करा बोलो कितना आंसर आ गया, समझ रहे हैं बात को, कितना आंसर आ गया बोलो, एम जी एक्स, टोटल करा वहां पर जाके एम जी एच ही आ गया। और लास्ट का बड़ा आसान था, मेरे को पता है कि हाइट तो जीरो हो चुकी है सी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल जीरो होगा, काइनेटिक कितना होगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर। वी सी स्क्वायर कैसे निकाला बोलो, ए से सी का पूरा मोशन कंसिडर किया और वी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस करा, तो यहां से वी सी स्क्वायर आ गया। किसी बच्चे को लगता हो ना कि सर मैं बी से सी करना चाहता हूँ फिर कैसे होएगा, तो अगर मान लो बी से सी करते, सब बच्चे बताना भाई एक बार, फ्रॉम बी टू सी काम बन जाता है इस केस में, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, जरा बताओ कैसे। आप लोग करते वी सी का स्क्वायर माइनस क्या, VB का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो क्या बोलते, 2AS। अब मुझे बताओ जरा, VC का स्क्वायर मुझे निकालना है और VB का स्क्वायर ऑलरेडी निकल चुका होगा तब तक, अरे निकल चुका होगा ना इससे पहले तक, तो बोलो कितना आएगा, 2GX। तो ये हो जाएगा 2GX, ये बताओ कितना आएगा, 2G, S कितना बोलो, B से C में, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है H माइनस X, H माइनस, तो मुझे बताओ कितना आएगा, ये आएगा 2GH माइनस का 2GX, ये है VC स्क्वायर माइनस का 2GX, माइनस का 2GX से माइनस का 2GX कट गया, VC स्क्वायर आ गया 2GH, पहले भी कितना था 2GH, अभी भी कितना आया। तो ये ज़्यादा लेकिन आसान तरीका नहीं है जिसमें एक वैल्यू जीरो हो जाएगी, करने को आप बी से सी में भी कंसिडर कर सकते हो और ए से सी में भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है भाई। नहीं आया समझ में, पक्की बात है, श्योर? अब मान लो कि इस तरह की चीज़ों पर वो आपको क्या क्वेश्चन बना के दे रहा है, पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सबको क्लियर है भाई? आज हमने पोटेंशियल एनर्जी पहले पूरा समझा क्या था, फिर उसमें से एक केस का पोटेंशियल एनर्जी मैंने फॉर्मूला बनाया और फिर हमने कंजर्वेशन कराया भाई। जल्दी तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा स्पीड हमारी बढ़ी रहेगी अब कुछ क्लासेस के लिए, लेकिन क्या समझ में आ रही चीजें? अब एक क्वेश्चन आप लोग सोच के रहिएगा घर से, आपको एक क्वेश्चन घर से करना है, लिख लीजिए। मास की वजह से जरूरत नहीं है, लिख लो मास, कोई नहीं, एक बॉडी है 10 केजी की, 10 मीटर ऊपर है, जब वो ग्राउंड को बिल्कुल हिट करने वाली है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? एक सिंपल सी बात है, अगर वो बॉडी वहां पर है उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो जीरो है, यहां पर रेस्ट पे है, तो मैं बोल भी सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट व्हेन इट जस्ट हिट द ग्राउंड, इसी वाली बॉडी की, तो आप ये बोल सकते हो जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे है उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे होगा। नहीं समझे मेरी बात को? ये नहीं समझ में आया? अरे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप मुझे बताओ ना काइनेटिक कितना है, जीरो, पोटेंशियल कितना है, एमजीएच। लोवेस्ट पॉइंट पे मुझे बताओ सारा एमजीएच क्या बन जाएगा, काइनेटिक, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा जीरो एंड दैट होल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ये समझ नहीं आ रहा नितिन? मैंने बोला दैट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विल कन्वर्ट इनटू द
काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, या मैं बोलूं कि द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. ये नहीं आया ना समझ में? तो मुझे तुम सब बच्चे बताओगे क्या बनेगा, द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, या इसको पता है कैसे करोगे? ए, ये बोलोगे ना टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट, तो बोलोगे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए बराबर में काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी. ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है. आप लोग बीच में भी कहीं निकाल सकते हैं. क्लास बातें नहीं, इधर मैं. अब मुझे बताओ ए पे काइनेटिक कितनी? जीरो. पोटेंशियल कितनी? एम जी एच. काइनेटिक सी पे कितनी निकालनी है सर? कितनी होगी बोलो? हाफ एम वी सी स्क्वेयर. और सर पोटेंशियल कितनी होगी सी पे? जीरो. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब कि एम जी एच किसके बराबर आ गया? तो इसका मतलब एम से एम, बोलो वी सी स्क्वेयर कितना आ गया? टू जी एच. सही है? और बोलो 2, g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 10, वी सी स्क्वेयर बोलो कितना आ जाएगा? वी सी स्क्वेयर आ जाएगा हमारा 200, और वी सी निकाल लोगे रूट 200. हालांकि ये कराने की मुझे जरूरत नहीं है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन. आप लोग सीधा भी सोच सकते हैं, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो 10 मीटर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बाय यूजिंग अ फॉर्मूला वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू में क्या? 2as. समझ रहे बात को? तो फाइनल वेलोसिटी सी पे है, इनिशियल जीरो है, 2 × 10 × 10 वी सी स्क्वेयर फिर भी कितना आएगा? 200. ये बस मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने जानबूझ के इस तरीके से करने की कोशिश करी है, क्योंकि आगे चल के मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही करवाऊंगा. क्लास आगे चल के मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही कराऊंगा जिसमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से कराया. तो तुम मुझे बस ये बताओ, क्लास उठना नहीं है अभी, तुम मुझे ये बताओ काइनेटिक एनर्जी सबको क्लियर था? बोलो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड अ मूविंग बॉडी हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ एम वी स्क्वेयर. बट द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, बॉडी रुकी हुई है बट फिर भी एनर्जी हो सकती है उसके पास, बोलो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल. वो बोलते हैं कि क्या कोई बॉडी रुकी हुई है उसके पास कोई एनर्जी हो सकती है? क्वेश्चन आएगा वन मार्क के अंदर, कैन ए बॉडी हैव सम एनर्जी एट रेस्ट, क्या किसी बॉडी के पास कोई एनर्जी हो सकती है रेस्ट पे? तो बच्चे जनरली इसमें सोच रहे थे कि नहीं हो सकती, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बॉडी रुकी हुई है तब भी एनर्जी हो सकती है. डैम में पानी रुका हुआ है बट एनर्जी है, उस स्प्रिंग ब्लॉक से इन्हें पकड़ रखा है एनर्जी है, एक हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेस्ट पे है बट एनर्जी है. कौन सी एनर्जी होती है? बोलो पोटेंशियल एनर्जी. सो द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन कॉन्फिग्रेशन दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. और ये हमेशा बॉडी में बोलो क्या होती है? स्टोर्ड. अब मुझे बताओ कितनी बॉडी स्टोर्ड है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके अंदर? जितना मैंने उसके ऊपर क्या करा होगा? काम. तो मैंने एक चीज का तो पोटेंशियल एनर्जी सीख लिया है. अरे भाई मैंने स्प्रिंग वाला नहीं सीखा, धनुष वाला नहीं सीखा, मैंने कौन सा वाला पोटेंशियल एनर्जी सीखा? जब किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट पे ले आते तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है? एमजीएच. जिसके पास स्टोर्ड एनर्जी होता है कितना होता है? बोलो एमजीएच. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बाद में जब वो नीचे गिरता है तो वही एमजीएच कन्वर्ट होता है, बोलो किसके अंदर? काइनेटिक में. और मुझे ये समझ में आया कि जितना पोटेंशियल घटता है उतना काइनेटिक बढ़ता है, और ये बात मैंने प्रूव करके दिखाई आपको डेरिवेशन की. तो क्लियर होता है कि नहीं होता? सो थोड़ा सा भाई मेहनत करने लग जाओ. कुछ बच्चे जो क्लास में अटेंटिव नहीं है भाई, पिटाई होना शुरू हो गई है, ध्यान रखना. और ये बात अगर आप लोगों को लग रही हो मजाक तो तुम नेक्स्ट क्लास से देख लेना. लड़कियां लड़के इस चीज़ में सब बराबर रहेंगे, ध्यान रखना. दो डंडे ये खाएंगे, दो डंडे आप भी खाओगे, इतनी क्षमता बराबर है. लड़कियां क्वालिटी मांगती है ना भाई, सब जगह पे है, तो वो पिटाई में भी क्वालिटी रहेगी हर जगह सारी चीज़. ये बात ध्यान रखना. पढ़ने लग जाओ, क्योंकि 1.5 महीना बचा हुआ है, अभी भी नहीं पढ़ोगे कब पढ़ोगे भाई बताओ? ठीक है, एक्टिव हो जाओ नेक्स्ट क्लास से, पहले बोल रहा हूँ. जाओ.